Welcome to Techno Smarter. Let's begin HTML tutorials. What is the HTML? Is the part of design, is the part of programming. तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि HTML कोई भी डिजाइनिंग लैंग्वेज नहीं है. HTML एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, एक डॉक्यूमेंटेशन लैंग्वेज है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. HTML डिजाइनिंग पार्ट भी नहीं है. HTML एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है. इस ट्यूटोरियल में हम क्या क्या कवर करते चाहेंगे, कि वेबसाइट के स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करते हैं, वेबसाइट के स्ट्रक्चर को कैसे मैनेज करते हैं, एक वेबसाइट में कौन कौन से टैग्स यूज होते हैं, HTML के कौन कौन से टैग्स होते हैं, ठीक है, HTML एंड CSS का कॉम्बिनेशन क्या है, CSS क्यों यूज करते हैं, CSS किस लिए यूज होती है, HTML लेटेस्ट वर्जन कौन सा है. लेटेस्ट वर्जन आपको पता ही होगा, HTML 5 चल रहा है. HTML में क्या क्या टैग्स ऐड हुए हैं, ग्राफिक्स कौन सा है, HTML एनिमेशन क्या है. बिगनर टू डेवलपर का मतलब ये है कि आप स्टार्टिंग करें तो इसको बेसिक नॉलेज गेन करें, बेसिक नॉलेज के बाद आप एक एक स्टेप इंक्रीज करते चल जाए, और इंक्रीज करने के बाद आप लाइव आ सकते हैं, ठीक है, लाइव वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो. वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइव वेबसाइट को कैसे डेवलप करते हैं. तो लाइव वेबसाइट को भी आपको डेवलप करना बताऊंगा. CSS कॉम्बिनेशन आ जाएगा, उसके CSS एनिमेशन आ जाएगा, HTML टैग्स आ जाएंगे, HTML लिस्ट आ जाएंगे, HTML टेबल्स आ जाएंगे, रेस्पॉन्सिव आ जाएंगे. तो एक कंप्लीट रेस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनती है वो बिगनिंग है. ये सिंपल आपको HTML बता देता हूँ कि HTML होता क्या है. प्रैक्टिकली जितनी नॉलेज आपको होगी वो आपके लिए बेस्ट है. तो प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि HTML क्या है, HTML का आउटपुट क्या आता है, HTML लैंग्वेज क्या है. HTML स्टैंड फॉर द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. तो ये HTML की आपकी फुल फॉर्म हो चुकी है, ठीक है. HTML क्या करती है, वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, वेबसाइट के स्ट्रक्चर को मैनेज करती है, ठीक है. ठीक है, तो मैं वेबसाइट का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि HTML के आउटपुट से क्या आएगा. यहाँ पे देखिए, जो ये व्यू आ रहा है, जो भी किसी भी वेबसाइट का व्यू जो होता है वो HTML एंड CSS का पार्ट होता है, ठीक है. जो ये व्यू निकल के आ रहा है ये हमारा HTML एंड CSS का कॉम्बिनेशन है. ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बैकएंड में वर्क करती है, वो कभी भी आउटपुट में नहीं शो होगी, वो सिर्फ के बैकएंड में वर्क करेगी. जो आपको व्यू होगा, शो होगा, वो HTML पार्ट होगा. तो ये ध्यान रखिए, जो भी आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो सब HTML से क्रिएट होगा एंड डिजाइन बाय CSS. तो CSS का भी होती है, CSS क्या होती है, कास्केडिंग स्टाइल सीट. तो मैं CSS का इसलिए बताता चल रहा हूँ कि मैं लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, कि लाइव प्रैक्टिकल से आपको क्लियर होगा. लाइव प्रैक्टिकल से ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो ही आपके लिए बेस्ट है. आगे चलकर आप लाइव प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो ही आपके लिए बेस्ट है कि आप पहले से ही HTML एंड CSS का कॉम्बिनेशन समझते जाएं. इसमें स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होगा, पहले बेसिक नॉलेज, फिर लेवल को इंक्रीज किया जाएगा. इंक्रीज करने के बाद आपको लाइव प्रोजेक्ट दिखाया जाएगा. तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज मिलेगी. एक बेसिक लेवल से एक डेवलपर तक आपको HTML ट्यूटोरियल्स कंप्लीट मिल जाएगा. एक लाइव वेबसाइट आप डेवलप कर सकते हैं. पहली बात तो एक लाइव वेबसाइट आप डेवलप करते हैं, लाइव वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस हो वो आपको बताया, इंस्पेक्ट क्या होता है, HTML को कैसे एडिट करते हैं, HTML टैग्स क्या है, HTML लिस्ट क्या है, HTML फॉर्म्स क्या है, SVG क्या है, कैनवास क्या है, एनिमेशंस क्या है, CSS में 2D, 3D, CSS, एनिमेशन, ये सभी आपको इस ट्यूटोरियल से मिलेगा. बट आपको उसके लिए सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दिखाना, क्योंकि ये अभी तो सिंपली HTML क्या है. HTML जो भी आपको स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर मीन्स स्ट्रक्चर करें कि आपने एक ये हेडर क्रिएट किया है, ठीक है, ये साइड बार क्रिएट किया है, ठीक है, एक फोटो क्रिएट किया है. अब सिंपल देख लीजिए, ये HTML CSS का पार्ट है. किसी भी वेबसाइट का जो व्यू पार्ट होता है वो HTML एंड CSS से क्रिएट किया जाता है. सिंपल आपको HTML समझ में आ गई कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. यदि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ रहे हो तो बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक इजी लैंग्वेज है. आप इसको 2 वीक्स में कंप्लीट कर सकते हो. अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो 2 वीक्स में आप बिल्कुल इसको कंप्लीट कर सकते हो. इस वीडियो में सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कंप्लीट ट्यूटोरियल की सीरीज है. तो कंप्लीट ट्यूटोरियल 1, तो डे बाय डे कंप्लीट ट्यूटोरियल आते रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. नेक्स्ट वीडियो जो होगा HTML का लेटेस्ट वर्जन से होगा, HTML का लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है एंड कोडिंग पार्ट होगा. मैं चाहता हूँ कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज ना देखे, प्रैक्टिकली ज़्यादा समझाओ. तो प्रैक्टिकली आप करके देखोगे, ट्राई करोगे तो ही आपके लिए बेस्ट होगा. यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा स्मार्टर की हुए जो मैं नीचे लिंक दे दूंगा वहाँ पे ये ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ पे क्वेश्चन आपका पुट कर सकते हो, रजिस्टर करके क्वेश्चन पुट करना है और आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. तो ये भी ज्वाइन कर सकते हो आप बेस्ट नॉलेज के लिए, ठीक है. तो ये मिल गया आपको. नेक्स्ट आपका सॉल्यूशन के लिए आपका कमेंट बॉक्स है यूट्यूब का, वहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा. वहाँ पे भी आपका मिल गया. PHP एंड वर्डप्रेस भी करना है तो
तो वहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एचपी भी ट्यूटोरियल्स भी आज से बिगेन होगा, वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स भी आज से बिगेन होगा, तो वहाँ से भी आपको लिस्ट मिल जाएगी, वो नॉलेज भी आप गेन कर सकते हो। मीन्स आप वेबसाइट का जो व्यू पार्ट है एंड बैकएंड पार्ट, जो प्रोग्रामिंग बैकएंड पार्ट होता है वो साथ साथ, एंड सीएमएस, वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग, ये सभी आप एक साथ कर सकते हो। यदि आप इतनी नॉलेज चाहिए और इससे भी ज़्यादा नॉलेज आपको गेन करनी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। क्योंकि अप्रोक्स 3 डेज में ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे, HTML, PHP, WordPress पे ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे, तो कंप्लीट ट्यूटोरियल्स के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।